एलएलबी क्लास में एडमिशन कराने की 31 तारीख लास्ट डेट है। अभी भी बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो नहीं दिखा रहे लिस्ट में। जब पिछली बार इसकी लास्ट डेट बढ़ी थी तो 25 तारीख को बढ़ी थी, क्योंकि 25 तारीख लास्ट डेट थी। जो लास्ट डेट को बढ़ने का नोटिस जो आया था वो आया था रात को 9 बजे के बाद। हम 11 बजे भी हमने उसका फॉर्म भरा था और तब हमें पता चला जब हमने इस पर ध्यान दिया कि ये डेट बढ़ चुकी है। तो आज भी हो सकता है कि ऐसे ही रात को 9, 10, 11 बजे के आसपास डेट बढ़ी हुई आपको मिले। कारण ये है, इस पर जितने भी नोटिसेज दे रखे हैं, इस पर दे रखे हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी नोटिस दे रखे हैं, उनमें कहीं पे भी ये नहीं लिख रखा है कि भाई जो कॉलेज दे रखे हैं, जो ज़िले उसमें दे रखे हैं, उनमें कॉलेज जो हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आएंगे या फिर प्राइवेट में ही करके सबमिट कर दें। जब तक यूनिवर्सिटी से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आती, क्लैरिटी वो नहीं करते किसी भी चीज़ की, तब तक डेट बढ़ना जारी रहेगा हमारे हिसाब से। क्योंकि हम पहले भी बताते आ रहे हैं आपको कि जब तक एक यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने पास के कॉलेज NRCC का इंतज़ार कर रहे थे, वो आज आ गया है सुबह, लेकिन अभी भी बहुत से कॉलेज है। अब MMH कॉलेज है गाज़ियाबाद का, बहुत पॉपुलर कॉलेज है वो, LLB के एडमिशन चलते हैं उस पर, लेकिन नहीं दे रखा वो। तो ऐसे में क्या करोगे? अगर हमने सारी डिटेल लिखी आपके लिए, तो कुल 9 कॉलेज हैं जिनमें LLB के लिए एडमिशन चलेंगे। अब बुलंदशहर में आ गया कॉलेज, NRCC कॉलेज आ गया, बुलंदशहर का है कॉलेज। मेरठ में मेरठ और NIS कॉलेज आ चुके थे पहले ही। मुजफ्फरनगर का DAV कॉलेज, मतलब मेरठ और DAV बहुत पहले से चल रहे थे लिस्ट में। उसके बाद मेरठ में NIS ऐड हुआ था तो 3 कॉलेज हो गए थे। फिर बुलंदशहर में NRCC हुआ, सहारनपुर में JVJN भी बहुत टाइम से चल रहा था। अब 4 ज़िले हैं जिनमें कॉलेज दिखा रहे हैं कि भाई बुलंदशहर में आप भर सकते हो NRCC, और कोई ऑप्शन आपको नहीं है क्योंकि अभी खुला ही नहीं है। मेरठ में 2 कॉलेज खुल गए हैं, पहले 1 खुल रहा था, मुजफ्फरनगर में 1 है और सहारनपुर में 1 कॉलेज है। अब जो ज़िले रह रहे हैं, अब बागपत है, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, शामली है, ये वो ज़िले हैं जिनमें अभी तक कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं खुला है। और ऐसे में मान के चलो लास्ट डेट ये कर देते हैं तो, और लास्ट डेट नहीं बढ़ती है तो अगले ही दिन CCS यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होंगे और वहाँ पे उन्हें बोलेंगे कि लास्ट डेट को बढ़ाओ, हमें एडमिशन लेना है, और कम से कम एक नोटिस तो जारी करते। तो यूनिवर्सिटी को, आप भी इस चीज़ को समझ रहे हो, हम भी इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कि मतलब 2 बार तो डेट इन्होंने बढ़ाई है और अभी भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है हमारे हिसाब से। अगर डेट बढ़ी, तुरंत हम वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, हमारी वेबसाइट चेक करते रहना। आपको इस बारे में क्या लगता है? देखो, मान के चलो, चलो बागपत को हम नहीं जानते, बागपत को चलो मान लो छोटा सा ज़िला है, हापुड़ को हम जानते हैं, जंक्शन है, बहुत अच्छा ज़िला है, बड़ा ज़िला है, तो हापुड़ में होना चाहिए था, ज़रूरी था। गाज़ियाबाद में होना चाहिए था सरकारी, ज़रूरी था। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा पूरा, इतने सारे कॉलेज हैं उनमें सब कोई सरकारी कॉलेज है ही नहीं, उसमें भी ज़रूरी था। शामली और बागपत की हमें नहीं जानकारी इतनी, लेकिन भाई इन कॉलेज में सरकारी होना ज़रूरी है। बागपत एक छोटा एरिया है हमारे हिसाब से, हमें जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन मान के चलो एक छोटा एरिया है, वहाँ पे गरीब बच्चे भी जाएंगे पढ़ने, तो क्या वो LLB के प्राइवेट कॉलेज में लेंगे जहाँ पे उन पे मनमानी जो है वसूली जाएगी फ़ीस? प्राइवेट कॉलेजों में तो यही रहेगा, उनका तो सिर्फ पैसों से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता उनके लिए, हमारे हिसाब से, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे 3,000 रुपये में हो जाएगा सरकारी में काम, वहाँ पे आपके हिसाब से 9,000 रुपये लिए जाएंगे, तो सरकार आपके बारे में भी सोचेगी भाई। और हमारे हिसाब से तो देखो खुलेंगे, क्योंकि अभी बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली है, और आप ऐसे अकेले बच्चे नहीं हैं जिनका रह रहा है फॉर्म, बहुत सारे बच्चे हैं यार। अगर आप गाज़ियाबाद देखोगे तो कोई भी बच्चा गाज़ियाबाद से लॉगिन करेगा, गाज़ियाबाद की जो है लिंक देखेगा, तो वहाँ पर दिखाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, अगर हम आपको दिखाएं, वैसे तो हमने फ़्लाइट मोड फ़िलहाल रख रखा है फ़ोन, नहीं तो हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते सारे के सारे, और हाँ शायद हमने कर भी रखे हैं डाउनलोड, हाँ ये रहे, इसके हम थोड़ी देर में वीडियो डालेंगे। तो ये है शामली का, सिर्फ एक कॉलेज आ रहा है, ये भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। सहारनपुर का सिर्फ एक कॉलेज आ रहा है, JVJN कॉलेज, सारे के सारे इसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज। इसमें गौतम बुद्ध में एक भी भाई एडिड कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं, सारे प्राइवेट। ये है मुजफ्फरनगर, सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस है, सिर्फ एक को छोड़ के। और ये है आपका मेरठ का जिसमें 2 कॉलेज हैं, और ये आपका है हापुड़ का जिसमें एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है, और ये है आपका गाज़ियाबाद, एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है,
और ये है बुलंदशहर, जिसमें एक कॉलेज NRCC आया है, हमने बताया सुबह आपको वीडियो के माध्यम से। बागपत में एक भी कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है और लास्ट डेट इस फॉर्म की कर दी 31 तारीख। तो हमारे हिसाब से 99% डेट बढ़ेगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमने तो पिछली बार लास्ट डेट, देखो पिछली बार भी हमने वीडियो में बताया था डेट बढ़ेगी और डेट बढ़ी थी, लेकिन कुछ बच्चे के हमारे पास कॉल भी आई थी, हमने बोला था भाई उन्हें कि भाई रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि अभी CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस तो आना चाहिए था ना कि भाई किस तरीके से आपको, बस हम सरकारी कॉलेज नहीं देंगे, प्राइवेट से ही फिल कर दो। उनकी तरफ से कोई नोटिस ही नहीं है। कॉलेज में जाके पूछ रहे सरकारी में, वो बोल रहे कि यूनिवर्सिटी से बात चल रही है। फिलहाल यही कुछ चल रहा है और लास्ट डेट आपकी बढ़ जाएगी हमारे हिसाब से, पूरी पूरी संभावना है फिलहाल भी। तो कुछ बच्चे अभी ऐसे भी है जिन्होंने पिछली बार लास्ट डेट देखते हुए फॉर्म भर दिया था प्राइवेट कॉलेज में, अब वो चाहते हैं भाई कॉलेज की डेट बढ़ जाए, डेट बढ़ गई है और हम अभी इसे कंप्लीट कर दें, अपना जो कॉलेज आया है उनके ज़िले में अगर कोई खुला है तो। जैसे कि बुलंदशहर की बात करें तो पहले उन्होंने प्राइवेट डाल दिया था, अब NRCC खुल गया तो अब चाह रहे हैं NRCC में आए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो मेरठ में ही करा लिया था तो अब NRCC की बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कॉलेज चेंज कराना है और कॉलेज लिस्ट में आ गया है तो रूम नंबर 309 यूनिवर्सिटी में ये काम हो जाएगा, 10 सेकंड का काम है उनके लिए। मेल पे शायद ही कोई रिप्लाई करेगा क्योंकि मेल देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिजिकल से मतलब है फिजिकली वहाँ पर गए हुए हैं, मतलब प्रेजेंट है वहाँ पर। तो जब कोई बच्चा इतनी दूर से चल के आ रहा है तो वो उनको देखेंगे या फिर मेल चेक करेंगे। तो आपको जाना चाहिए क्योंकि टाइम अब है ही नहीं और लास्ट डेट संभावना है 99%। कल जब आप देखोगे या फिर हम जब भी लास्ट डेट बढ़ेगी हम एक पोस्ट डाल देंगे और सुबह को वीडियो में भी बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, जो बच्चे परेशान हैं मेरे हिसाब से उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा एफर्ट करना तो आप इतना कर लो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो अपना, रजिस्ट्रेशन को छोड़ना मत। रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा 21K से स्टार्ट होता हुआ, 21K से स्टार्ट होता हुआ मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, वो दोनों रख लेना, उसके आगे कुछ मत करना। फॉर्म को अगर चाहो तो पूरा कंप्लीट कर लेना, जहाँ पे कॉलेज रुक रहे हैं वहाँ तक रोक के रखना। हमारे पास जितने फॉर्म थे बुलंदशहर के NRCC में हमें भरने थे, हमने सारे रोक के रखे हैं। हमने एक बच्चे को भी ये नहीं बोला, पूछा कि भाई लास्ट डेट हो रही है, जब दो लास्ट डेट गई है कि भाई फॉर्म भरना है कौन से कॉलेज में भर दे प्राइवेट में। हमें यकीन था कि भाई सरकारी ज़रूर आएंगे, इसलिए हमने किसी को फ़ोन नहीं करा। आज हम सबसे फ़ोन करके यही पता करेंगे कि भाई सरकारी भी डालना है NRCC या दूसरे भी कोई प्राइवेट डालना है, कोई बोल देगा जैसे वो हम कर देंगे, ठीक है ना। अपने एरिया का ध्यान रखें और हम एक पोस्ट और डाल देंगे कम्युनिटी सेक्शन में कि LLB के फॉर्म किस किस के यहाँ, किस किस के मतलब कौन कौन बच्चा इंतज़ार कर रहा है उनके फॉर्म को कंप्लीट करने का। मान के चलो मैं शामली से हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सरकारी कॉलेज का, तो आप लगाओगे कि हाँ भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बुलंदशहर का हूँ और मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा नहीं भाई मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एक हम पोस्ट डाल देंगे जिस पे आपकी जो वोटिंग वगैरह चल जाएगी तो आप वहाँ पे वोटिंग कर देना, ठीक है ना। तो ऐसा ही है बस। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस फॉर्म को भरते हुए, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। और बाकी आपको 99% जो भी जवाब होंगे हमारी वेबसाइट से मिलते रहेंगे, वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहो। वीडियो तो हम डाल देंगे लेकिन वीडियो से पहले हम हर चीज़ वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, तो वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। सारी जानकारी पेपर वगैरह की और सारी जितनी भी है मेरिट वगैरह सारी चीज़ें वहीं पे आपको पता चलेगी, कब मेरिट लगेगी, कितनी मेरिट लगेगी, ओपन लगेगी, नहीं लगेगी, क्यों लगेगी, सारी जानकारी आपको वेबसाइट से मिलती रहेगी। कोई सवाल हो कॉमेंट करना, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की।